हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलई पराठे की रेसिपी। बिना किसी झंझट के, बिना फटे बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं और इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी पराठे की रेसिपी है। अगर बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो इस तरीके से उनको पराठे बना के जरूर दें, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे जरूर देखिए, इसे जरूर घर पर ट्राई करें। और आपको यहाँ हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने व्यूज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले वेजिटेबल्स में हमने ये हाफ शिमला मिर्च ली है, 3 हरी मिर्च ली है, 1 गाजर लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है, 1 बारीक कटके हुए प्याज ली है और 2 चम्मच हमने ये फ्रेश धनिया ली है। तो सभी वेजिटेबल्स को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको कट कर लिया है। अब ये हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे हमने मैश कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसमें पालक और मेथी भी ऐड कर सकते हैं। तो साफ हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप खाते हैं तो जरूर डालें। 2 पिंच हींग ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी 1 कप ही ऐड करना है। तो इसे हम मिक्स करेंगे साफ हाथों से। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है, अभी हम इसमें 1/2 कप आटा और ऐड करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स है फ्रेंड्स उसका मॉइस्चर होता है, इसलिए थोड़ा आटा हमें मिक्स करना है इसमें। तो देखिए ये आटा हमारा तैयार हो गया है, अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें आटा यूज करेंगे, लेकिन अभी ये जो हमारा डो है वो एकदम ही हार्ड है, तो इसे हम ढककर रख देंगे रेस्ट पर। 6 से 7 मिनट हमें इसे रेस्ट पर रखना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अभी डो को हम थोड़ा सही कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फ्रेंड्स इसमें हमें अब आटे की जरूरत नहीं है। अब इसकी हम एक लोई लेंगे। तब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, अब इसे हमें बेलना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम मुगलई पराठे बना रहे हैं और इसमें स्टफिंग या फिलिंग भरने की कोई झंझट नहीं है, आप इसे बहुत ही आसानी से बेल सकते हैं। वैसे अगर आप स्टफ पराठा बेलते हैं तो उसमें दिक्कत पड़ती है, हर किसी से बेलना मुश्किल होता है पराठों को, लेकिन इस तरीके से अगर आप पराठे बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे बेल सकते हैं। तो ये पराठा हमने बेल लिया है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बेल गया है, तो इसे हमें सेकना है। अब हमने गैस पर एक तवा लिया है, तवे को हमने थोड़ा गर्म कर लिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी लेंगे, अब जो पराठा है उसको लेना है। घी की जगह पे आप बटर या ऑयल भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सेकने पर पराठा हम पलटेंगे इसको। अब हम पराठे में दोनों साइड घी लगा लेंगे। फ्रेंड्स पहली बार में हमें तवे पर घी लगाना जरूरी है ताकि पराठा चिपके ना। दोनों साइड हमें घी लगा लेना है और इसे हम सेकेंगे पलटते हुए। तो बहुत ही अच्छे पराठे की रेसिपी है, इसमें हमने आलू के साथ वेजिटेबल्स भी ऐड की है। बच्चे अगर आप
वैसे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से पराठे की तरह बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि पराठे खाने बच्चे पसंद करते हैं, तो वेजिटेबल्स भी खा लेंगे बच्चे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि पराठे के साथ उन्होंने इतनी वेजिटेबल्स खा ली और बहुत ही हेल्दी भी है। तो जरूर बनाएं। तो इसी तरीके से पलटते हुए और हल्का हल्के हाथों से दबाते हुए हमें पराठे को सेकना है। तो देखिए पराठा हमारा बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो इसी तरीके से सारे पराठे को हमें सेकना है। अब हमें तवे पर घी या बटर या ऑयल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। पराठे को इसी तरीके से इसे भी सेक लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही ज्यादा हेल्दी मुगलई पराठे रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है। तो आप ये गर्मा गर्म पराठे को इस तरीके से ठंडे दही में लगा के खा सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, यकीन माने फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।